डियर पेरेंट्स, प्लीज अलर्ट, आपके बच्चे अगवा हो रहे हैं। मान लीजिए ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिनट ठहरिए, ये वैसा अगवा नहीं जैसा आप अखबारात में पढ़ते और टीवी पर देखते और सुनते हैं, बल्कि ये अगवा की एक नई टाइप है, स्मार्ट किडनैपिंग। ये स्मार्ट किडनैपिंग है। अगवा की ये वारदात करने वाले इंसान नहीं, बल्कि ये हर वक्त आपके घर और ज़्यादातर इस्तेमाल में रहने वाले कंप्यूटर और मोबाइल हैं। बच्चों के अगवा की वारदात के नए स्टाइल में बच्चे फिजिकली पेरेंट्स के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन उनके दिल, दिमाग, जज्बात, एहसास और ख्यालात खामोशी से अगवा हो रहे हैं। पेरेंट्स ये चंद चीज़ें देख लें तो बाकी स्टोरी उन्हें खुद ही समझ आ जाएगी। खानदान की टूट फूट और बच्चों पर इसके असरात के हवाले से रिसर्च करने वाले इदारे फॉरएवर की फाइंडिंग्स के मुताबिक बच्चे का जहन शुरू में एक वाइट पेपर की तरह होता है, इसलिए वो सबसे पहले जो भी चीज़ देखता है, सुनता है, अपने माइंड में महफूज करके ऑटोमेटिक अपना ब्रेन पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। यही ब्रेन पैटर्न उसकी आदत और रवैये बनाता है। पेरेंट्स ने अपने आप को फ्री और बच्चे को मसरूफ़ रखने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चे ने कार्टून देखना शुरू किए और साथ ही सीखने लगा, लेकिन वो क्या सीखने लगा? ये देखिए, किसी को बिलावजह तंग करके एंजॉय करना, अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलना, हर वक्त जल्दबाजी का मुजाहरा यानी बेसब्री की लर्निंग, अपनी ख्वाहिश सोच को पूरा करने के लिए ज़रूरत हो तो क्रिमिनल टूल्स का इस्तेमाल करना, मर्जी के खिलाफ फैसलों पर मनमानी यानी बगावत करना, कार्टून कैरेक्टर्स का बच्चे और बच्चियों की शक्ल में मुख्तसर कपड़े पहनना, आपस में बेहिजाबाना गले मिलना, यानी वल्गैरिटी कल्चर का इंट्रोडक्शन। ये लंबी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम निकालें और अपने बच्चों की आदतों, रवैयों और मिजाज को देख लें, और साथ ही स्मार्ट किडनैपिंग की इन चंद टेक्निक्स पर गौर कर लें, समझ आ जाएगी कि आपके बच्चों को कौन अगवा कर रहा है और आप अपने बच्चे को इस अगवा होने से कैसे बचा सकते हैं। ये भी ज़रूर देखिए कि कहीं आपका बच्चा अगवा हो तो नहीं चुका।